नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीयोभाग है जो आप लोगों की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसके जो चैप्टर 15 के पश्चात ग्रामर टॉपिक्स दिए गए हैं, शब्द रूपाणी, धातु रूपाणी और साथ ही में जो संख्यावाची शब्द है वो दिए गए हैं बच्चों, उन पर चर्चा की थी। और आज की कक्षा में बच्चों हम चैप्टर 10 नीति नवनीतम इस शीर्षक से जो बच्चों आपका पाठ है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर 10 है नीति नवनीतम, दशमा पाठ है, दसवां पाठ नीति नवनीतम इस शीर्षक से। ठीक है ना बच्चों, तो नवनीतम मीन्स क्या होता है बच्चों? नवनीतम किसको कहते हैं? नवनीत किसका पर्यायवाची है? मक्खन का पर्यायवाची है। ठीक है ना, तो नीति मीन्स वो नीतिगत जो बातें होती है वो, यानी कि नीति वचनों का मक्खन। इस शीर्षक, ये जो शीर्षक है नीति नवनीतम का अर्थ हुआ नीति वचनों का मक्खन। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों हम। बच्चों इस पाठ में क्या, प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है, यानी कि मनुस्मृति जो संस्कृत का जो ग्रंथ है बच्चों, उसमें से कुछ श्लोक इस चैप्टर में लिए गए हैं जो कि सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचार उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है बच्चों, तो इन सब नीतिगत जो वचन हैं बच्चों उनको देखेंगे हम इन श्लोकों के माध्यम से। ठीक है, पहला श्लोक दिया गया है बच्चों, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य यानी कि अभिवादन मीन्स प्रणाम करना है ना किसी को, अपन जो किसी को अपन जो नमस्कार करते हैं, अपना जो बड़ों बूढ़ों को जैसे प्रणाम करते हैं। ठीक है ना, यानी कि अभिवादन करते हैं, जो अपन बोलते हैं कि भाई पैर छूते हैं पर सम्मान देते हुए, बड़ों को सम्मान देते हुए चरण स्पर्श करते हैं, किसी को नमस्कार करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, विश करना जो होता है ना बच्चों वो। ठीक है ना, तो अभिवादनशीलस्य नित्यम यानी कि जो अभिवादनशील मनुष्य होता है, यानी कि बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने वाले जो व्यक्ति होता है उसके, और हमेशा नित्यम, नित्य मीन्स हमेशा, वृद्धोपसेविन यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उन लोगों की जो सेवा करने वाला है, लेकिन जो क्या होती है चत्वारि तस्य वर्धन्ते, द्वितीय पंक्ति है चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीज़ें तस्य यानी उसकी, वर्धन्ते यानी बढ़ती हैं। कौन कौन सी चार चीज़ें बढ़ती हैं? आयु और विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। अर्थात बच्चों इस श्लोक का अर्थ हुआ कि बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने वाले व्यक्ति के और हमेशा बड़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु विद्या यश और बल, ये चार चीज़ें अपने आप ही क्या करती है, ग्रो करती है, बढ़ती हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमेशा बड़ों को, बड़े बूढ़ों को प्रणाम करना चाहिए और बड़े बूढ़ों की हमेशा सेवा में हमको क्या करना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर 2 है, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। रिपीट करती हूँ श्लोक को, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। यम माता पितरौ यानी कि जिस मनुष्य के क्लेशम सहेते, क्लेशम यानी कष्ट को सहते हुए, उसके माता पिता जो होते हैं बच्चे को जब जन्म देते हैं उसके पश्चात, उसके जन्म के बाद उसके पालन पोषण तक जो कष्टों को सह करके जिस प्रकार वो बच्चे को बड़ा करते हैं, उन कष्टों का निस्तार न तस्य निष्कृति यानी कि उन कष्टों का जो निस्तार है वो, निष्कृति मीन्स निस्तार या बदला जो होता है वो, शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि, वर्ष शतैर यानी कि 100 वर्षों तक भी जो चुकारा होता है उसका नहीं चुकाया जा सकता, कर्ज जो होता है वो नहीं चुकाया जा सकता। अर्थात बच्चों
मनुष्य के इस श्लोक में क्या बताया गया है कि मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट उसके माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का निस्तार, उस कष्ट का जो बदला या उस कष्ट का जो कर्ज है बच्चों, वो 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अर्थात उसका जो ऋण है या बदला जो है वो 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता। ठीक है, तो क्या इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमको अपने माता पिता की ने जो हमको पालन पोषण करने में इतने कष्ट सहे हैं, उन चीज़ों को हम कभी नहीं चुका सकते, उनका बदला हम कहीं उस कर्ज को कभी नहीं उतार सकते। इसके बदले में हमको क्या करना चाहिए, हमेशा माता पिता का सदैव सम्मान करना चाहिए और माता पिता का कहना मानना चाहिए और उनके अनुसार ही हमको कर्म करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, तयो नित्यं प्रियं कुर्याद् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयो नित्यं प्रियं कुर्याद्, कुर्याद् आचार्यस्य, इसमें क्या क्या है, कुर्याद् प्लस आचार्यस्य, इसका संधि विच्छेद है। ठीक है ना, च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयो नित्यं प्रियं, तयो तयो यानी उन दोनों की, नित्यम यानी हमेशा, उन दोनों की हमेशा। अब उन दोनों किसके लिए आया यहाँ पर, माता पिता के लिए, क्योंकि पूर्व वाले श्लोक में भी माता पिता के लिए ही कहा गया है, तो उसी से संदर्भित है बच्चों कि हमेशा उन दोनों का, किनका, माता पिता का। प्रियम, प्रियम यानी प्रिय, प्यारा लगने वाला। कुर्याद आचार्य से, और किसका, आचार्य का। आचार्य कौन, गुरु, जो हमारा शिक्षक, हमारे जो शिक्षक होते वो, यानी कि हमेशा उन दोनों का, किनका, माता पिता, और तीसरा नाम क्या है यहाँ पे, आचार्य जी का। आचार्य जी मीन्स हमारे जो गुरुजी होते हैं वो, तो उनका हमको सदा प्रिय लगने वाला। सर्वदा मीन्स सदा, हमेशा हमेशा उनको प्रिय लगने वाला ही कार्य हमको करना चाहिए। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु, क्योंकि उन तीनों के, कौन तीनों, माता पिता और गुरु के संतुष्ट होने पर भी सभी तपस्याएं जो होती हैं, तपः सर्वम समाप्यते, सभी तपस्याएं हैं जो होती है वो समाप्त हो जाती है, अर्थात हमें अपनी सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो क्या सीखा आपने श्लोक नंबर 3 से, कि हमेशा हमें माता पिता और गुरुजन का को प्रिय लगने वाला कार्य करना चाहिए, और जैसे जिस प्रकार वो संतुष्ट हो उसके अनुसार ही हमको कार्य करना चाहिए, और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो सभी तप होते हैं वो सफल, सारी तपस्याएं हमारी सफल हो जाती है। ठीक है, नंबर 4th श्लोक है बच्चों, सर्वम पर वशम दुखम सर्वमात्म वशम सुखम एतद् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सर्वम पर वशम दुखम, यानी कि सभी प्रकार से परवशम, यानी कि दूसरे के वश में होना किसके समान है, दुख के समान है। और सर्वमात्म वशम सुखम, और सभी प्रकार से आत्मवशम यानी खुद के वश में होना क्या है, सुखकारी है। एतत् विद्यात् समासेन, समासेन में संक्षेप में, लक्षणम सुख दुखयो, और संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। यानी कि बच्चों हमेशा दूसरों के वश में या दूसरों के नियंत्रण में, दूसरों के कंट्रोल में होना कैसा होता है, दुखदायक होता है, दुखद होता है, और अपने वश में होना कैसा होता है, सुखद होता है, सुखकारी होता है। और संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण हमको समझना चाहिए। ठीक है, नंबर 5th श्लोक है बच्चों, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मन तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत। यत्, रिपीट करती हूँ श्लोक को, यत् कर्म कुर्वतो, और अवग्रह चिन्ह, एस जैसा जो चिन्ह बना उसको क्या कहते हैं, अवग्रह चिन्ह कहते हैं। ठीक है ना, और इसका उच्चारण ऐसे किया जाता है। ठीक है ना, तो देखो मैं उच्चारण करती हूँ इसको, कुर्वतो अस्य, और एक जगह और है ये एस जैसा चिन्ह, स्यात परितोषो, इसके पश्चात एस जैसा चिन्ह, तो क्या उच्चारण होगा, अ ऐसे होगा, तो अंतरात्मन है। ठीक है, तो अर्थ देख लेते हैं इसका हम, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात परितोषो अंतरात्मन। यत् कर्म, यत् मीन्स जो या जिस, यानी कि जिस कार्य को, कुर्वतो अस्य, जिस कार्य को करते हुए स्यात परितोषो अंतरात्मन है। परितोष मीन्स, परितोष यानी संतुष्ट होना, और अंतरात्मा यानी अंतरात्मा, यानी कि जिस कार्य को करने से अंतरात्मा जो होती है वो संतुष्ट होती है,
प्रयत्नेन कुर्वित, और उस कार्य को प्रयत्नपूर्वक क्या करना चाहिए, करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, और विपरीत इसके विपरीत जो कार्य होता है उसको वर्जयेत, वर्जयेत यानी त्यागना, यानी कि उस के विपरीत कार्य को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यानी कि जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा संतुष्ट हो उस कार्य को प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए, और इसके विपरीत जो कार्य होता है यानी कि जिससे आत्मा हमारी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होती है, सेटिस्फाइड नहीं होती है, उस कार्य को हमको छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ठीक है, नंबर 6 है बच्चों, अंतिम श्लोक, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पीबेत सत्यपूतम वदेद्वाचम मनःपूतम समाचरेत। रिपीट करती हूँ श्लोक को, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पीबेत सत्यपूतम वदेद्वाचम मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम, पूतम मीन्स पवित्र, ठीक है, तो दृष्टिपूतम, दृष्टि से पवित्र यानी कि अच्छी तरह से देखकर क्या करना चाहिए, न्यसेत, न्यसेत मीन्स रखना चाहिए, और पादम मीन्स पैर, यानी कि दृष्टि से पवित्र यानी कि अच्छी तरह से हमको देख करके पैर रखना चाहिए, यानी कि आगे कदम बढ़ाना चाहिए अच्छी तरह से देख करके। ठीक है, नेक्स्ट, वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र से पवित्र जल पीना चाहिए, यानी कि वस्त्र से छान करके हमको पवित्र, जब जल शुद्ध हो जाता है तब हमको पीना चाहिए। सत्य पूताम वदेद वाचम, सत्य पूताम सत्य से पवित्र यानी कि जो सच्ची जो होती है वो वैसी, वदेद वाचम, वद यानी बोलने के अर्थ में, वाचम यानी वचन, यानी कि सत्य से पवित्र यानी सच्ची वाणी हमको क्या करनी चाहिए, बोलनी चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, और मन से पवित्र, मन से पवित्र उत्तम हमको आचरण करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो क्या अर्थ हुआ इसका, कि हमको दृष्टि से पवित्र अच्छी तरह देखकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए, पैर रखना चाहिए, और वस्त्र से जल को छान करके शुद्ध करके हमको पीना चाहिए, और सत्य से पवित्र यानी सच्ची वाणी हमको हमेशा बोलनी चाहिए, और मनः पूतम मन से पवित्र उत्तम, मन से हमको जो उत्तम आचरण होता है वो हमको करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की कक्षा में हमने आपका जो चैप्टर 10 है नीति नवनीतम शीर्षक से मनुस्मृति के कुछ श्लोक दिए गए हैं बच्चों, उन श्लोकों का हमने अर्थ समझा, साथ ही में जो अच्छी बातें हैं, नीतिगत बातें हैं वो भी हमने आपको सिखाई, तो आशा करती हूँ आप लोग सीखेंगे। कौन कौन सी अच्छी शिक्षाएं हैं, वो है कि हमको हमेशा अपने माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करना चाहिए, ठीक है ना, और हमेशा बड़े और बूढ़ों को अभिवादनशील यानी कि उनको प्रणाम करना चाहिए, ठीक है ना, और इनसे हमको क्या क्या लाभ मिलेगा, उनसे हमको हमारा जो होती है हमारी आयु और विद्या, यश और बल, ये चार चीज़ें बढ़ती है जब बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हैं तो, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त हमने और क्या सीखा, हमने सीखा कि हमको सुख दुख में हमेशा समान रहना चाहिए, हमको अपने अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करने चाहिए, और इसके विपरीत कार्यों को हमको त्यागना चाहिए, ठीक है ना, और सम्यक विचार उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए हमको कार्य करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हमने कई नीतिगत बातें सीखी, नई नीतिगत शिक्षाएं सीखी बच्चों, आप अपने जीवन में इनको धारण करें, आशा करती हूँ ऐसा। मैं आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।